नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां नूतन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ नए संस्कृत वाक्यों की ओर। वाक्य यदि हो आप कहाँ थे, तो इसके लिए कहेंगे भवान कुत्र आसीत, भवान कुत्र आसीत। मैं पार्क में था, इसके लिए कहेंगे अहम उद्याने आसम, अहम उद्याने आसम। उद्यान शब्द संस्कृत का शब्द है जो पार्क के लिए प्रयोग होता है, इसके लिए वाटिका या और भी बहुत सारे शब्द उपलब्ध हैं। मैं वह बहुत चाहता हूँ, मैं वह बहुत चाहता हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे तद अहम बहु इच्छामि, तद अहम बहु इच्छामि। यदि वाक्य हो कितनी शर्म की बात है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कियत लज्जास्पदम, कियत लज्जास्पदम। यह मेरी गलती नहीं है, इसके लिए कहेंगे एषः मम दोषः न, एषः मम दोषः न। मेरा तो एतराज नहीं है, मम तु आक्षेपः नास्ति, मम तु आक्षेपः नास्ति। वाक्य यदि बनाना हो वह तुनक मिजाज का है, तो कहेंगे सः शीघ्रकोपी अस्ति, सः शीघ्र कोपी अस्ति। ऐसे गंभीर मत होइए, एवं गंभीरः मा भवतु, ठीक समय पर बता दिया। इसका संस्कृत बनेगा युक्ते समये सूचितवान, युक्ते समये सूचितवान। वाक्य यदि बनाना हो वह बहुत बकबक करता है, तो कहेंगे सह बहु जलपति, सह बहु जलपति। जलपति अर्थात बहुत बोलता है, बहुत बड़बोला है। यह तो उड़ती खबर है, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एषा केवलम किम वदंती अस्ति, एषा केवलम किम वदंती अस्ति। कुछ नहीं होगा, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमपि न भविष्यति, किमपि न भविष्यति। ऐसे ही आ गया, एवमेव आगतवान, एवमेव आगतवान। भला बेकार ही क्यों जाएं, विना कारणम किमर्थम गंतव्यम, विना कारणम किमर्थम गंतव्यम। आपको क्या परेशानी है, भवतः किम अस्ति कष्टम, भवतः किम अस्ति कष्टम। आपकी बात सही है, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे भवतः वचनम सत्यम, भवतः वचनम सत्यम। मेरी बात कौन सुनता है, मम वचनम कः शृणोति, मम वचनम कः शृणोति। क्यों इतनी चिंता करते हैं, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम एतावती चिंता, किमर्थम एतावती चिंता। मित्रों, ये कुछ और वाक्य हमने आज सीखे हैं, इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करके आप अभ्यास करते रहिए। कुछ और नए वाक्यों या नए विषयों को लेकर पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनर्मिलामः। कोई कार्य हो या